गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ाए थे, और उससे पहले हमारी एक क्लास चल रही थी पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसका एक पार्ट है नाउन। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने उसके पार्ट्स पढ़ लिए थे और साथ ही साथ उसके दो और पार्ट जो कि सब पार्ट होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब फ्रेंड्स, हम लोग नाउन का ही हमारा एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर्स। नंबर्स यानी कि संख्या, यानी जो हमारा नाउन है वो एक है या एक से ज़्यादा है या दो है या दस है, इस तरीके से। नंबर के बेसिस पे फ्रेंड्स जो हमारा नाउन होता है उसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। ये चीज़ कॉमन चीज़ है, आपको पता होगी। मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली 8 रूल्स लिखे हैं जिनके जरिए आप किसी सिंगुलर नाउन को कैसे प्लूरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सिंगुलर नाउन को प्लूरलाइज कर पाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ पे वर्ब कैसी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, SAIS लगेगी, आगे ट्रांसलेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला रूल हमारा जो है, आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल जो है, टू मेक रेगुलर नाउन्स प्लूरल एड एस टू द एंड। हमको शुरू से पढ़ाया गया है कि किसी भी सिंगुलर नाउन में एस या ES लगाने पर वो नाउन हमारा प्लूरलाइज हो जाता है, जो कि सही भी है। लेकिन बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी रूल एक लिमिट भरी सही होता, उसके बाद कहीं ना कहीं पे उसका कंट्राडिक्शन आता ही आता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं कि ये आ गया हमारा एक एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद, जो कि हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारे ये बेटा बेसिक रूल है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रूल्स हर नाउन के लिए काम करें, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके यही रूल लगते हैं। जैसे सबसे पहला रूल है, टू मेक रेगुलर नाउन्स प्लूरल एड एस टू द एंड, यानी अगर हमारा कोई नॉर्मल सा नाउन हमको दिया है, कोई सामान्य सी नाउन दी गई है, उसको अगर हमें प्लूरलाइज करना है तो उसके लास्ट में हमको क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, जैसे कैट, डॉग, पिजन, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, एस एस सी एच एक्स ओ जेड, एड ई एस टू द एंड। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, क्या इसमें जो बेटा लर्निंग पॉइंट है वो आपका ये है, ये जो आपके मैंने लास्ट के लेटर्स लिखे हैं ना, ये बेटा आपके लर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब आपको ये याद रहेंगे तभी आप ये ES वाला रूल अप्लाई कर पाएंगे। यानी जो सिंगुलर नाउन, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में S आ रहा है या SS आ रहा है या CH आ रहा है या X आ रहा है या O आ रहा है या Z आ रहा है, Z को अक्सर हम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं, हम लोग बेसिकली सिर्फ O तक पढ़ते हैं, लेकिन Z भी एक लेटर होता है। तो बेटा, जब ये लेटर्स आएंगे किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में, तो उसको अगर हमें प्लूरलाइज करना है तो हमको लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, ES लगाना पड़ेगा। जैसे बेंच, बेंच का क्या हो जाता है, बेंचेस। ऐसे ही आप, एक आपका वर्ड होता है बंच, बंच मतलब गुच्छा, उसमें भी क्या हो जाता है, बंचेस हो जाता है। एक आपका वर्ड दिया गया ब्लेड्स, ब्लेड्स का हो जाता है ब्लेड्सेस, कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग अपना तीसरा रूल डिस्कस करते हैं, जो कि है, इन सम केसेस सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस और जेड रिक्वायर दैट यू डबल द एस और जेड प्रायर टू एडिंग ई एस फॉर प्लूरलाइजेशन। अब देखिए बेटा, ऊपर वाला जो रूल था उसमें भी हमारा एस और जेड आया है, लेकिन उसमें क्या किया है, उसमें हमने इसको प्लूरलाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस के और जेड के आगे ई एस लगा दिया है। लेकिन इसी रूल का यहाँ पे हल्का सा कंट्राडिक्शन हो रहा है, क्या किसी किसी वर्ड में अगर S और Z आ रहा है लास्ट में, तो आपको उसको प्लूरलाइज करने के लिए लास्ट के लेटर को, यानी हमारे S और Z को डबल करना पड़ जाता है और उसके बाद ES लगाना है। इसीलिए मैंने बोला ना, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? ES इसमें भी लग रहा था, ES इसमें भी लग रहा है, लेकिन इसमें हम अपने लास्ट लेटर को डबल नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें हम अपने लास्ट लेटर को डबल कर देंगे। कुछ ही वर्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। जैसे मैंने आपको लिख रखा है, एक गैस लिख रखा है, क्योंकि बेसिकली कई वर्ड रहते हैं जिनमें लास्ट में डबल एस लग के आता है, जैसे आपका क्लास हो गया, ग्लास हो गया, उसमें लास्ट में डबल एस लगा है तो आपको डबल एस करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे गैस हो गया, इसमें आपको डबल एस करना पड़ेगा और फेज में डबल एस, डबल जेड करना पड़ेगा, ठीक। चौथा रूल हमारा होता है बेटा, इफ द नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई, एड वी ई एस, यानी अगर हमारा ये रूल आपने पढ़ा होगा, अगर हमारे नाउन के लास्ट लेटर में एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है, तो उसको प्लूरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ और एफ ई को हटा के लास्ट में वी ई एस लगा देते हैं। जैसे आपने देखा, वाइफ लिखा है मैंने, वाइफ की जगह पे क्या हो गया, वाइफ्स हो गया। ऐसे ही एक आपका आता है लोफ, एल ओ ए एफ, लोफ का मतलब होता है ब्रेड का एक टुकड़ा, उसको जब आप प्लूरलाइज करेंगे तो आपका प्लूरल बनेगा एल ओ ए वी ई एस, यानी लोव्स, कई सारे ब्रेड के टुकड़े। ऐसे ही नाइफ होता है, नाइफ का हम लोग नाइव्स कर देते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है हमारा, इफ अ नाउन एंड्स इन वाई एंड। अब देखो, वाई जो होता है, वाई लेटर से दो रूल बनते हैं सिंगुलर प्लूरल के, मैंने दोनों लिख दिए हैं, ठीक। सबसे पहला रूल है,
इसको तो इस लाइन को हमें कॉमन रखना है, क्या इफ अ नाउन एंड्स इन वाई, अगर किसी नाउन के लास्ट लेटर में वाई आ रहा है तो। सबसे पहले द लेटर बिफोर वाई इज अ वॉवल, अगर वाई के जस्ट पहले वाला लेटर यानी एंडिंग वाई से हो और सेकेंड लास्ट लेटर हमारा क्या हो, वॉवल हो, तो उसको प्लूरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एड एस। वाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वाई को ऐसे ही रखना है और लास्ट में हमें क्या लगा देना, एस लगा देना। जैसे रे का हो गया रेज, एक वर्ड आता है बी ओ वाई बॉय, बॉय का क्या होता है बॉयज, टॉयज, कहीं पे एस वाई के साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा रूल हमारा कहता है द लेटर बिफोर वाई इज अ कंसोनेंट, यानी अगर हमारा एंडिंग लेटर तो वाई है लेकिन साथ ही साथ वाई का जो पहले वाला लेटर यानी जो सेकेंड लास्ट लेटर है वो हमारा पहले केस में वॉवल था, इस केस में बेटा हमारा कंसोनेंट है, तो अगर कंसोनेंट आता है तो क्या करना है, वाई को रिमूव करके एड आई ई एस। जैसे कि हमारा वर्ड लिखा है सिटी, अब देखो यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे वाई दिया गया है, यानी पहले रूल का जो बेसिक हमारा है वो तो लग रहा है कि एंडिंग कहां पे हो रही, वाई से हो रही है, इसमें भी एंडिंग हमारी वाई से हो रही है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है, डिफरेंस आता है सेकेंड लास्ट लेटर में। सेकेंड लास्ट लेटर में कैसे, यहां पे वाई से पहले जो सेकेंड लास्ट लेटर है ये हमारा क्या था, वॉवल था, इसलिए हमने बिना वाई को हटाए सीधे सीधे इसमें एस लगा दिया। सेकेंड रूल में क्या है, यहां पे वाई से पहले आ रहा है टी और टी है हमारा एक कंसोनेंट, तो कंसोनेंट को प्लूरलाइज करने के लिए क्या करेंगे, वाई को रिमूव करके यहां पे आई ई एस एड कर देंगे। नेक्स्ट रूल नंबर सिक्स आता है बेटा, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन यूएस द प्लूरल एंडिंग फ्रीक्वेंटली आई। अब देखो फ्रीक्वेंटली यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है इन जनरल केस, यानी सामान्य रूप में अगर इस ऐसी कंडीशन आती है तो आपको अगर उसको प्लूरलाइज करना है तो आप ये रूल लगाएंगे, एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में यूएस आ रहा है तो उसको प्लूरलाइज करने के लिए हम लास्ट में आई लगाते हैं, ये रूल जहां तक मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये रूल थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि हमको मोस्ट ऑफ द केस में वाई एफ ई बस इतने रूल पढ़ा के छोड़ दिया था क्योंकि इतने की ही जरूरत होती है, लेकिन अब यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है तो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए यहां पे जैसे एक वर्ड है कैक्टस, कैक्टस हमारा एक पौधा होता है, कैक्टस का प्लूरल क्या होता है, कैक्टी होता है, कैक्टस का प्लूरल क्या होगा, कैक्टी होगा। फोकस का क्या होगा, फोकी होगा, क्यों, क्योंकि इनके लास्ट में आ रहा है यूएस और यूएस अगर आ रहा है किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में तो उसको प्लूरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यूएस को हटा के आई ऐड कर देंगे। नेक्स्ट रूल, इफ द नाउन एंड्स इन आई एस द प्लूरल एंडिंग इज ई एस, यानी कुछ हमारे ऐसे नाउन होते हैं, अब देखो आई एस में आप कहेंगे कि सर यहां पे तो लास्ट में एस आ रहा है तो एस में तो हमारा या तो दूसरा वाला रूल लग जाएगा, तीसरा वाला रूल लग जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपना फिक्स प्लूरल लिए बैठे हैं, वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, मैंने इसीलिए बताया आपको कि ये रूल्स जो हैं ये हमारे जनरल केस में लगते हैं, इसीलिए हमको यही रूल्स पढ़ाए जाते हैं, इधर वाले रूल्स आपको बहुत कम पढ़ाए गए होंगे, क्यों, क्योंकि ये रूल्स बेटा कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ यूज हो रहे हैं इसलिए इनको बना दिया गया है, बाकी जनरल केस में यही रूल लगता है। जैसे एक वर्ड लिखा है एनालिसिस, एनालिसिस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनालिसिस को भी एनालिसिस बोल देते हैं, बहुत छोटा सा यहां पे प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक होती, क्या एनालिसिस और एनालिसिस, लास्ट में सिस है और यहां पे सिस है, तो जब यहां पे आई एस आएगा तो उसको प्लूरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, आई एस को रिप्लेस कर देंगे ई एस से। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वर्ड ही याद कर लो जिस पे रूल लग रहा है, क्योंकि ऐसे अगर आप सिर्फ इस रूल के भरोसे जाओगे, सिर्फ यही रूल रट के जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में ये तो बाद में क्लिक होगा कि ये आई एस आया है, आपके दिमाग में क्लिक होगा कि इसके लास्ट में ऐसा आया, तो इसका तरीका क्या है कि इस रूल पे बेस्ड जो वर्ड्स हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चल जाए कि हाँ ये वर्ड मैंने इस रूल में पढ़ा था। लास्ट हमारा रूल है इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ एन द प्लूरल एंडिंग इज ए, यानी कि अब देखो यहां पे भी एक चीज क्या लग सकती है कि सर यहां पे तो एन है, यानी एन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा रूल लगना चाहिए,
पहला रूल लगना चाहिए टू मेक रेगुलर नाउन्स प्लूरल एड एस टू द एंड, यानी हमारे अगर कोई भी सिंपल से नाउन है तो उनको प्लूरलाइज करने के लिए क्या कर देना चाहिए, एस लगा देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो इस वाले रूल को फॉलो नहीं करते, उनको उठा के इस वाले रूल में रख दिया गया, या कह सकते हैं कि उन्हीं वर्ड्स के लिए ये पर्टिकुलर एक रूल बना दिया गया। जैसे एक वर्ड लिखा है यहाँ पे फेनोमिनन, फेनोमिना आपने सुना होगा वर्ड, फेनोमिनन कम सुना होगा, फेनोमिना ज़्यादा सुना होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आपके ग्रामेटिकल एरर में आती है, क्या फिनोमिना जहाँ पे यूज़ होता है तो सब लोग क्या कंसीडर करते हैं कि यार ये सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि हम लोग नॉर्मल बोलचाल में बोलते ही फिनोमिना है, फिनोमिनन कोई नहीं बोलता है, ठीक, फिनोमिना ही बोलते हैं तो सबको क्या लगता है कि फिनोमिना एक सिंगुलर चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिंगुलर है फिनोमिनन, इसका प्लूरलाइज फॉर्म है फिनोमिना। तो फेनोमिना के साथ अक्सर ग्रामेटिकल एरर में क्या देते हैं, फेनोमिना के साथ आपको सिंगुलर वाली वर्ब लगा के दे देंगे, यानी उसमें एस आई एस लगा देंगे, वहीं पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं गड़बड़ कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं कि फेनोमिना सिंगुलर है तो यानी सिंगुलर वर्ब सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, अगर फेनोमिना लगा है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी, यानी वर्ब में एस आई एस नहीं लगाना होता है। नेक्स्ट होता है हमारा क्राइटेरियन, अब खैर जब से पिछले कुछ एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है तो इस वर्ड से सभी लोग फैमिलियर हो चुके हैं कि जो क्राइटेरियन वर्ड है ये हमारा सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल वर्ड होता है क्राइटेरिया, यानी अगर किसी सेंटेंस में हमारा क्राइटेरिया आ रहा है तो बेटा क्राइटेरिया का मतलब है कि वहां पे वो हमारा प्लूरल फॉर्म यूज हुई है, यानी हमको वर्ब जो यूज करनी पड़ेगी वो सिंगुलर नहीं यूज करनी पड़ेगी, क्या यूज करनी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने अपने नंबर्स से रिलेटेड 8 रूल्स आपको लिखा दिए हैं, इन्हीं रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इससे ऊपर का क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपका नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ पेट की गारंटी ली है, मैंने बाकी एग्जाम्स की गारंटी नहीं ली है। पहली बात तो ये जो रूल्स हैं ये आपके नॉर्मल हर एग्जाम में काम कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही रूल लिखा दिए जो आपने शायद पहले नहीं पढ़े हैं, बाकी ये बेसिक रूल तो बेटा सबको पता होते हैं, क्वेश्चन जो फंसता है वो इन 2-3 रूल से फंसता है जो आपने आज तक शायद नहीं पढ़े थे। अब हम लोग अपने नाउन का जो नंबर्स वाला पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर के बाद बेटा इसका एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिसको बोलते हैं हम लोग जेंडर, जेंडर में मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल इस तरीके कॉमन 4-5 जेंडर होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, और आज क्लास में हम लोग इतने रखते हैं। इसी तरीके की अगर आपको नॉलेजबल और कुछ स्पेशल पॉइंट्स अगर आपको जानने हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।